पोलिंग स्टेशन नंबर 24 का दृश्य अब आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं में खासा उत्साह मतदान को लेकर नजर आ रहा है। विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता लोग कर रहे हैं। और अब हम रेलवे फाटक नंबर 4 के पास मतदान केंद्र नंबर 213, 14 और 15 पर पहुंच चुके हैं। अल्पसंख्यकों का क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साह मतदान को लेकर नजर आ रहा है। तीनों केंद्रों पर लाइनें लगी हैं। मैंने सुबह से नोट की है कि जिन अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से ही लोगों की कतारें लग रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि मतदाता धीरे धीरे मतदान केंद्रों की तरफ जा रहे हैं। और अभी यहाँ पर आप देखिए कितनी लंबी है, आप देख सकते हैं महिलाओं की, और उधर आप पुरुषों की लाइन देख रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबी कतारें हैं यहाँ पर। और मतदान को लेकर वास्तव में बहुत ज़्यादा उत्साह आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रहा। ये आप देख रहे हैं बहुत लंबी कतार है महिलाओं की, बुरके पहनकर महिलाएं मतदान करने के लिए पहुंची। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं राजस्थान से, और पीछे आप देख रहे हैं पुरुषों की कतार है। ये मतदान केंद्र नंबर 215 है, ये 214 है। लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की। मतदान केंद्र नंबर 96 और 97 जो कि कालाबाल मंदिर में है SDM ऑफिस के पास, और यहाँ पर आप देख रहे हैं आदर्श मतदान केंद्र, यानी कि हर तरह के मतदान केंद्र है। जैसे कुछ आप देख रहे हैं संवेदनशील भी माने जाते हैं, जहाँ पर पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है जहाँ से मतदाता अंदर जा रहे हैं, इसको तो सुंदर सजाया गया। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है हमारा जो चुनाव है, और इस चुनाव को वैसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है क्योंकि बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में हम आपको आज मतदान का उत्साह लोगों का है वो दिखा रहे हैं। देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जहाँ पर गुब्बारों की सजावट की गई है। बहुत ही शालीनता से आप देख रहे हैं सभी मतदाता कतारों में खड़े हैं और एक एक करके मतदान केंद्र में जाकर मतदान कर रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव, और इसमें सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बहुत लंबी कतार यहाँ पर भी लगी है, और ये आदर्श मतदान केंद्र है। महिलाएं आप देख रहे हैं बुरके पहनकर यहाँ पर मतदान करने के लिए जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरगुना सुल्तान। तो आप मतदान करने के लिए जा रही है, लाइनों में खड़ी है, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? मैं वोट देकर बहुत खुशी महसूस होती है, हमें वोट देना अच्छा लगता है, वोट देना अच्छा लगता है। हम पहले उस लाइनों में खड़े हुए नोटबंदी में, हमें बहुत बुरा लगा, हम 2 महीने तक खोटी हुआ काम धंधा सब, इसलिए हम वोट देने के लिए आए कि देश हमारे देश के नेता हमारे लिए कुछ करें। तो नोटबंदी हुई थी उसमें परेशानी हुई, उसके लिए आप नेताओं को दोषी मानती है या अच्छा रहा वो नोटबंदी का काम? बहुत बुरा रहा, बहुत गंदा रहा। कितनी परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई। तो आप नोटबंदी के खिलाफ मतदान करेंगे? हाँ। देखिए कहते हैं इसी को कहते हैं कि वोट की चोट। ये कह रहे हैं कि पहले हम जब नोटबंदी हुई थी तो नोटों के लिए लाइन में खड़े थे, 2 महीने खराब लाइन के मायने पूरा छोटा छोटा बच्चा नहीं स्कूल में डाल लिया, पानी स्कूल में डाल छुट्टी होती थी पता लेट जाती भी टेम आती मैं पाती स्कूल मैं स्कूल जाती बड़े। अच्छा ये जो अभी वोट कर रही हैं आप, तो इसके लिए आप क्या चाहेंगे, क्या काम आपके होने चाहिए जिसके लिए आप वोट करें? बहुत अच्छा काम हुआ है देश के लिए, देश की जनता सुख सुख पावे, देश की जनता सुख पाए, यानी अच्छा कार्य विकास का कार्य होना चाहिए, इसलिए मतदान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और ये एक आदर्श मतदान केंद्र है जिसका प्रवेश द्वार आपने देखा बहुत सुंदर सा जगह। इस बार आप देख रहे हैं कि ये जगह ये कोई आधार कार्ड लेकर आ रहा है, कोई फोटो परिचय पत्र लेकर आ रहा है, लेकिन इस बार जो आप देख रहे हैं ये पर्चियाँ बनाई गई है। अगर आपके पास परिचय पत्र नहीं है तो इसके जरिए भी आप इस बार वोट डाल सकते हैं। ये जो निर्वाचन विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, कई बार लोग अपना परिचय पत्र नहीं ले पाते हैं, उनको मतदान से वंचित होना पड़ता है, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं इसमें ये फोटो है जो मतदान परिचय पत्र में आपका फोटो है वो सारी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हैं, इसलिए लोग अधिकतर जो निर्वाचन विभाग की पर्चियाँ वो लेकर आ रहे हैं। पहले पार्टियाँ अपनी पर्चियाँ बांटती थी,
लेकिन अब ऐसा नहीं, इसने इस बार निर्वाचन विभाग ने अपनी पर्चियां लोगों को दी है जिसको लेकर लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अधिकतर महिलाएं जो है वो बुर्के में है, यानी मैं अल्पसंख्यक का क्षेत्र है, और अभी एक महिला खुलकर बोल रही थी इसी मामले में। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो एक मसला चला था मुस्लिम समाज के लिए महिलाओं के लिए 3 तलाक का मामला, वो आपको अच्छा लगे बुरा लगे? तलाक किसी को नहीं होना चाहिए, तलाक किसी को नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो जो ये इस पर चर्चा हुई बीजेपी की वो सही थी? तलाक किसी को नहीं होना चाहिए, सब घर बसे रहना चाहिए, किसी का घर उजड़ना नहीं चाहिए। यानी ये काम मोदी ने सही किया? इसका हमें पता नहीं, नॉलेज नहीं हमें तो, लेकिन तलाक किसी का नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि तलाक किसी का नहीं होना चाहिए, ये मुख्य इनका मुद्दा है। और मतदान केंद्र नंबर 196 का ये दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी भीड़ है। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं मतदान के और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत आराम से लोग मतदान कर रहे हैं। मतदान अधिकारी भी एक एक चीज पर नजर कर रहे हैं और कुछ मतदान केंद्रों पर रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं एक बुजुर्ग को व्हील चेयर पे लाया जा रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको व्हील चेयर पे मतदान के लिए ले जाया जा रहा है। सीसी कैडेट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं लोकतंत्र के इस पर्व पर। सीआई दर्जाराम आप देख रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ सभी मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मतदाता अधिकारी पूरी पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंचे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के अंतर्गत सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं निर्वाचन विभाग और प्रशासन पूरी शक्ति बरते हुए एक एक मतदान केंद्र पर पुलिस की टीमें दौरा कर रही है। शहीद दर्जाराम आप देख रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर, आप देख रहे हैं पूरे बल के साथ यहाँ पर, हालांकि एक आदर्श मतदान केंद्र है यहाँ पर पहुंचे हैं, फिर भी मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत आपका और लोकतंत्र के पर्व की शुभकामनाएं। अभी तक 3 घंटे का मतदान हो चुका है, क्या स्थिति है सुजानगढ़? बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और आदर्श आचार संहिता की सभी लोग पालना कर रहे हैं और हम बिल्कुल माकूल गश्त और व्यवस्था में लगे हुए हैं। सर सुजानगढ़ में जो आपका बल है वो कितने लोगों की टीम है यहाँ पर काम कर रही है? ये निर्वाचन विभाग से लगाया गया बल है और हम हमारे उन जो नियमानुसार लगाए हुए जाब्ते उनको लेकर के और गश्त और निगरानी जारी कर रहे हैं। कहीं कोई अभी तक पूर्णतः शांतिपूर्ण? बिल्कुल पूर्ण तो शांतिपूर्ण और आगे भी शांतिपूर्ण ही रहेगा। आप देख रहे हैं आपके स्वास्थ्य में लबरेज नजर आ रहे हैं, करें कि शांतिपूर्ण चल रहा है और शांतिपूर्ण रहेगा। वैसे भी सुजानगढ़ एक शांतिपूर्ण नगर है जहाँ पर अभी तक ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही है। बूथ संख्या 194-95 के दृश्य आपको दिखाएंगे। नेबास का दृश्य आप देख रहे हैं। खासा उत्साह आप देख रहे हैं मतदाताओं में। परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और बीमार और बुजुर्ग लोगों को भी मतदान केंद्र पर ला रहे हैं मतदान करने के लिए। आप देख रहे हैं एक बीमार बुजुर्ग महिला हैं। सहारा लेकर भी लोग मतदान कर रहे हैं। हर केंद्र पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। महिलाएं कहीं भी जाती है तो झुंड में जाती है, चाहे वो कहीं कोई पार्टी का कार्यक्रम हो या कहीं भोजन का कार्यक्रम हो, लेकिन आज मतदान का कार्यक्रम हो रहा है। अमावस्या भी है और कहा जाता है अमावस्या के दिन दान करना चाहिए, लेकिन आज लोग मतदान कर रहे हैं और आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मतदान करके निकली है। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंदु सोनी है और मैं वोट देने आई हूँ और मैं चाहती हूँ लोकतंत्र हमेशा कायम रहे और हर व्यक्ति को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। आपने किस मुद्दे पर मतदान किया आज?
हमने जो लूट खोज जितनी बुराइयां हैं समाज से खत्म हो जाए ऐसा हम चाहते हैं, और लोकतंत्र हमेशा कायम रहे यही हम चाहते हैं। इंदू जी, आपको क्या लग रहा है किस तरह की बुराइयां हैं समाज में नेताओं के कारण? भ्रष्टाचार और भी जैसे बहुत सारी, भ्रष्टाचार मेन सबसे ज़्यादा बुराई है। बहुत सही कहा है, सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार। आपका क्या नाम? रजनी। हाँ रजनी, आपने किस मुद्दे पे वोट डाला अभी? मैंने तो इसलिए डाला है कि सभी सुविधाएं मिली जाए और कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत न हो इसमें। सबसे बड़ी अभी जो समस्या है देश में वो है महिलाओं के साथ अत्याचार की, उत्पीड़न की, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, वो आपको दुख पहुँचाती है? हाँ, क्यों नहीं पहुँचाती है। छोटी छोटी बच्चियाँ घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और उनके साथ बहुत बुरे काम होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार ना होए यही मेरी काम। आपको लगता है इस पर गंभीरता से नेता लोग सोच रहे? जी हाँ, सोचना चाहिए उनको। देखो हम लोग का तो काम है वोट देना, बाकी तो उनका काम है आगे। एक युवती हमारे साथ है, आपका क्या नाम? रीना खन्ना। युवाओं का इस बार अब क्या मुद्दा है मतदान में? लड़कियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो अपने हिसाब से आ जा सके, और कॉलेज में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए। आपने पहली बार मतदान किया? पहले भी कर चुकी? पहले भी कर चुकी हूँ मैं, ये मेरा सेकंड बार है। आपको कितना दुख होता है जिस तरह से महिलाओं के, युवतियों के साथ इस तरह की अत्याचार की, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है? ये दिल को छू जाने वाली एक घटना होती है, इसको देख के यूँ लगता है कि कल को हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो। तो मैं बोलना चाहूँगी कि सभी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए सभी। आपको लगता है कि नेता सोचते हैं इस पर गंभीरता से? जी हाँ सोचते हैं, सभी सोचते हैं, क्योंकि लड़कियाँ उनके घर में भी है। तो फिर आपको क्या लग रहा है ये इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी, ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? देखो सबको सोचना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताजी के सोचने से ही सारा कुछ हो जाएगा। समाज के सभी लोगों को ये बात माननी चाहिए कि उनके घर में भी लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, सभी हैं, सबको मिलकर सबका साथ देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, केवल नेता नहीं लोगों की सोच बदलनी चाहिए। हर घर में माँ बेटी है, हर व्यक्ति को एक कन्या में अपनी बहन, एक महिला में अपनी माँ दिखनी चाहिए। एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, क्योंकि सुधार केवल नेता नहीं कर सकते, आम लोग जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक देश नहीं सुधरेगा। मैं इस समय सुजानगढ़ की झंवर स्कूल में पहुंच चुका हूं, जहां पर मैं देख रहा हूं तीन युवतियां यहां पर मतदान करने के लिए आ गए हैं। एक बार आप सामने आए। बिल्कुल, तो आप लोग वोट डालने आई, फर्स्ट टाइम आपका वोटिंग है या पहले किया? नहीं, फर्स्ट टाइम ही है। तो एक बात बताइए कि आप मतदान करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका मुद्दा क्या है, इस चुनाव में क्या होना चाहिए? स्पेशली मुद्दा तो गर्ल्स की सुरक्षाओं को लेकर है, क्योंकि कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर अपराध को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, जिस कारण। आपको लगता है कि नेता इस मामले में गंभीर है? जी, अगर वोट देंगे सही को तो गंभीरता से लेंगे फिर। यानी आपके लिए मुख्य मुद्दा महिला युवतियों की सुरक्षा है? जी। आप आ गए, क्या नाम आपका? खुशबू दादी। हाँ खुशबू, आपका मुद्दा क्या है सुना में? ये सही बोल रही है, लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लड़कियाँ जगह जगह छेड़ लेते हैं लड़कियों को। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे युवाओं के लिए रोजगार की समस्या है, क्योंकि आप युवा हैं, पढ़ती हैं, क्या करती हैं आप? वैसे पढ़ाई करती हूँ। तो आपका भी कोई सपना होगा कि उस बनने का? एयरहोस्टेज। हाँ, तो इसमें आपको लगता है कि ये जो रोजगार है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है देश में? नहीं है। इसके लिए कुछ होना चाहिए? इसके लिए करना चाहिए कुछ। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? नंदिनी दादी। नंदिनी, आपको क्या लगता है, आपका क्या मुद्दा है चुनाव? लड़कियों की सेफ्टी होनी चाहिए, यहाँ पे पास में भी लड़कियों की सेफ्टी नहीं है, तो सेफ्टी करनी चाहिए और वोट तो उसी को देना चाहिए जो सेफ्टी करता हो। आप सुन रहे हैं, ये तीन लड़के हैं, तीनों के लिए मुख्य मुद्दा है लड़कियों की सुरक्षा का, और ये एकदम सही कह रही हैं। देश में इन मेरे पिछले दो तीन वर्षों में जिस तरह से महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, वो लिस्ट महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवतियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हर महिला है युवती ये चाहती कि नेता कम से कम इस मामले में गंभीरता से कुछ ऐसा कानून बनाए ताकि देश में महिला की सुरक्षा हो सके, उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आ सके। जबर स्कूल में भी आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी कतार है, खासतौर से महिलाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं में खासा उत्साह है मतदान को लेकर। लोकतंत्र के पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद मतदान किया जाता है।
अमित शाही लगने के बाद में वोटिंग मशीन के पास पर्ची ले जाई जाती है, उसके बाद वोटिंग मशीन को ऑन किया जाता है और फिर मतदान किया जाता है। झमर स्कूल जो मतदान केंद्र है वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय मेरे साथ जाने माने आदर्श शिक्षक जितेंद्र सिंह जी भदौरिया, उनकी दोनों पुत्रियाँ हैं जो अभी मतदान करके आए हैं। मैं पहले बेटियों से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली बार मतदान किया, पहले कर चुकी? पहली बार किया मैंने। मैं इससे पहले एक बार मतदान कर चुकी हूँ। तो पहले तो ये जानना चाहूँगा, पहला मतदान करने का अनुभव कैसा? बहुत उत्साह है मेरे में कि लोकतंत्र को लेकर हमने एक वोट दिया, फर्स्ट वोट में इतना उत्साह है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई मुद्दा होता है, किसी उम्मीदवार को चुनते हैं तो उनसे कुछ आशाएं भी की जाती हैं, आपका मुद्दा क्या है चुनाव में? फिलहाल आप वोट देकर ही उत्साहित है? हाँ, मैं बस वोट देकर उत्साहित हूँ। मैं जिसको चाहती हूँ उसको मैंने वोट, अपना लोकतंत्र को वोट दिया है, मैं चाहती हूँ कि वो पार्टी जीते। आप सुन रहे हैं, पार्टी का नाम मैं भी पूछ नहीं रहा हूँ, आपका क्या है आप बताइए, आपका मुद्दा क्या है? मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का विकास हो, भारत बहुत आगे पहुँचे और हम सब उसके, भारत का विकास होगा तो हम सभी का विकास होगा, और इसके लिए मैंने मेरा वोट किया है और मैं चाहती हूँ कि हम सभी का विकास एक साथ हो। हमारा देश को युवाओं का देश कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा प्रतिशत युवाओं की है, तो युवाओं के क्या मुद्दे आपके लिए खास इस चुनाव में, क्योंकि ये हमारे राज्य के चुनाव? आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि युवाओं जितने पढ़ लिख गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें बेरोजगारी की भावनाएं बहुत ज़्यादा आ रही है, उनके पास ये समस्या बहुत उत्पन्न हो रही है, तो उनको रोजगार उपलब्ध हो जिससे वो आगे के लिए विकास कर सकें, उनका, उनके आगे वाली आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो सके, और इसी भावना के साथ मैंने विकास के लिए अपना लोकतंत्र को वोट दिया है। बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, युवा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा स्तर पढ़ाई का धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि युवाओं को बहुत सारी आत्महत्या की घटनाओं से गुजरना पड़ता है। ये मुख्य कारण इसका यही है कि नौकरियाँ नहीं हैं, पढ़ जाते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद में नौकरी के लिए भटकना पड़ता है, और निश्चित रूप से नेताओं पर विचार करना चाहिए। मैं भदौरिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको क्या लगता है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए? विकास मुख्य मुद्दा होना चाहिए। जिस प्रकार के हम देख रहे हैं कि नीचे स्तर के कमेंट लोग कर रहे हैं आपस में, वह नहीं होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए। यानी ये जो जाति धर्म के नाम पर ये लोगों को भड़का रहे नेता, ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सब एक हैं और निश्चित रूप से विकास के लिए ये वोट होना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता ये नेता मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए सब करें? बिल्कुल बिल्कुल, अपने अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए जाति और धर्म की बात करते हैं, बाकी और कोई नहीं। कैसा लग रहा है आज लोकतंत्र का उत्सव आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लोकतंत्र का उत्सव है, एक त्यौहार है आज हमारे यहाँ, और उसको हम सभी लोग। और बेटियों ने भी बहुत उत्साह से मतदान किया? बिल्कुल, मेरी छोटी बेटी ने पहली बार मतदान किया और बड़ी वाली बेटी ने दूसरी बार किया है। आप जोड़े से नहीं है? नहीं, पहले डाल गई हमारी मैडम। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। आप देख रहे हैं परिवार के साथ आई हैं, मैडम पहले वोट डाल गई, क्योंकि महिलाओं को घर में बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन बात करके बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, और नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे सर बहुत सही कह रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 204 का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि पिंक मतदान केंद्र है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफ़ी सजावट की गई है। कतार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, महिलाओं की नजर आ रही है। प्राथमिक उपचार केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया है, ये पिंक मतदान केंद्र है। महिला मतदान केंद्र निर्वाचन विभाग ने बहुत सारे नवाचार किए हैं इस बार, आदर्श मतदान केंद्र, पिंक मतदान केंद्र जैसे। देखिए लोगों का उत्साह, ये बागड़ा भवन के पास पोलिंग स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये एजेंटों की काउंटर है, हालांकि इनका ज़्यादा काम नहीं रह गया इस बार, निर्वाचन विभाग ने पर्चियाँ बांटी हैं, लेकिन फिर भी सभी ने अपने काउंटर लगाए हैं। मतदान में केवल आधे घंटे का वक्त बाकी है, ठीक सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, और पहला दृश्य मैंने आपको यहीं का दिखाया था, ये सांचौक भोजलाईबास का है, बूथ नंबर 170 है, और यहाँ से मैं भी मतदान करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास भी ये निर्वाचन विभाग की पर्ची है, और अब मैं अपना वोट डालूँगा।
आधे घंटे का वक्त है, बहुत भारी उत्साह है। पिछला जो 5 वर्ष पहले चुनाव हुआ था विधानसभा में 77% के लगभग मतदान हुआ था, देखना है आज कितना होता है। मुझे लग रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ था उससे अधिक प्रतिशत मतदान होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जिस तरह की कतारें मतदान केंद्रों पर सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिली है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है और उसी उत्साह के साथ मैं अब मतदान करने जा रहा हूँ। मैंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, ये आप देख रहे हैं मेरी उंगली पर अमिट स्याही है। मैं बता दूँ ये स्याही मिटती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारा नाखून बढ़ता है उसके साथ साथ ये स्याही ख़त्म होती जाती है। लेकिन जिसको हमने वोट दिया है अगर वो जीतेगा, लोग जिसको चुनेंगे वो 5 साल तक सरकार में रहेगा, हमारे काम करेगा, इस उम्मीद से हमने अपना वोट डाला है कि जो उम्मीदवार जीतेगा वो हमारे राजस्थान के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे तहसील के लिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य करेगा। और उसी उम्मीद से आज हमने हमारे राजस्थान की सरकार चुनने के लिए वोट डाला है। वोट लगभग पेटी में बंद हो चुके हैं, उम्मीदवारों का भाग्य पेटी में बंद हो चुका है, 11 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा। हालांकि अभी 15 मिनट का बाकी है वोट डालने में। पोलिंग स्टेशन नंबर 204 पर बमलाल मेघवाल अपना मत डालने आ रहे हैं। यह था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम। आज हमने लोकतंत्र के पर्व का पूरा नज़ारा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दिखाया, प्रातः 8 बजे से शाम तक, और एक मतदान केंद्र पर तो 7:35 तक मतदान चला। मैं आपको बताना चाहूँगा मतदान का प्रतिशत लगभग 70% सुजानगढ़ में रहा, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है 72.89% मतदान हुआ है। कुल 2274 जो प्रत्याशी है उनका भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 8 प्रत्याशी थे जिनका भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। नतीजे 11 तारीख को आएंगे जब चूरू में मतगणना होगी और पता चलेगा कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, सुजानगढ़ का विधायक कौन बनेगा। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।